क्या आपको पता है कि अगर पृथ्वी उल्टा घूमना स्टार्ट कर दे तो क्या होगा? बेसिकली अगर पृथ्वी अभी ऐसे ही घूम रही है, राइट डायरेक्शन में घूम रही है, लेकिन अगर पृथ्वी उल्टा घूमना स्टार्ट कर दे तो हमारे आसपास बहुत सारे परिवर्तन होंगे। जैसे कि सबसे बड़ा परिवर्तन जलवायु परिवर्तन होगा। पश्चिमी भाग ठंडा और पूर्वी भाग गर्म हो जाएगा और रेगिस्तान का नामो निशान ही नहीं होगा, रेगिस्तान धस जाएगा। सहारा रेगिस्तान तो दिखेगा ही नहीं और पृथ्वी पर हर जगह हरियाली ही हरियाली होगी। दिन और रात सही समय पर नहीं होंगे, जैसे कि अभी जब दिन हो रहा है और रात हो रही है तो इस समय पर दिन और रात नहीं होंगे, इसके विपरीत समय पर दिन और रात होंगे और सब कुछ बदल जाएगा। अभी जैसा है वैसा कुछ भी नहीं रहेगा। पृथ्वी अगर उल्टा घूमना स्टार्ट कर दे तो हवाएं भी अपना रुख बदल देगी और भारत के निचले भाग में, निचले समुद्र में बैक्टीरिया की संख्या बढ़ते चले जाएगी। आप और हम सब जानते हैं कि पृथ्वी अपनी जगह पर घूमती है और 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है और इस तरह से दिन और रात होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी क्यों घूमती है? साइंटिस्टों का कहना है कि सौरमंडल के बनने की वजह से ही पृथ्वी घूमती है। उनका कहना है कि पृथ्वी जन्म से ही घूमती हुई पैदा हुई थी। बेसिकली पृथ्वी का निर्माण सूर्य के चारों ओर घूमने वाली गैस और धूल के आपस में मिलकर परतों का निर्माण करने की वजह से पृथ्वी का निर्माण हुआ है। और हम आपको बता दें कि पृथ्वी जो है ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से घूमती है, ना कि उल्का पिंडों के टकराने की वजह से। बेसिकली ये जो उल्का पिंड किसी भी ग्रहों से टकराते हैं तब उसकी स्पीड कम और ज्यादा होती है। जो ग्रह उल्का पिंडों या चट्टानों से जितना ज्यादा टकराता है उसकी गति उतनी ही कम होती है, ना कि बढ़ती है। तो पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर, अपनी जगह पर गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से घूमती है, ना कि उल्का पिंडों के टकराने से। मच्छर मक्खियाँ या अन्य कीड़े मकोड़े जब आपके घर के आसपास या आपके खाने के आसपास घूमते हैं तब आपको बड़ा गुस्सा आता है ना, और आप उसे मारने के लिए तमाम कोशिशें भी करते हैं। लेकिन अब आप उसे मारने से पहले एक बार जरूर सोचिएगा, क्योंकि ये कीड़े आपके ही नहीं, आपकी दुनिया, आपकी पूरी दुनिया के लिए एक इम्पोर्टेंट जीव है। पता है क्यों? क्योंकि अगर कीड़े मकोड़े ही नहीं रहेंगे तो हम भी नहीं रहेंगे। ये मैं नहीं कहता, ये साइंटिस्ट लोग कहते हैं। पूरी दुनिया में कीड़ों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। हम आपको बता दें कि कीड़े मकोड़े जो है एनवायरनमेंट की सेफ्टी और खाद्य पदार्थों के उत्पादन में अहम भूमिका निभाते हैं। साइंटिस्टों का कहना है कि अगर हम पूरी दुनिया से सारे कीड़ों को खत्म कर दें तो हम भी खत्म हो जाएंगे। बेसिकली कीड़ों को क्या काम होता है? कीड़े जो है सड़ी गली जो नष्ट हुए जो पदार्थ है उनको पूरी तरह से नष्ट करना जो है कीड़ों का काम होता है, और जो है मिट्टी में उर्वरकों का संचार करना भी कीड़ों का ही काम होता है। कल्पना कीजिए, अगर मल के निस्तारण के लिए कीड़े ना हो तो क्या होगा? बेशक दुनिया बहुत ही गंदी हो जाएगी, चारों तरफ बस गंदगी ही गंदगी होगी और मल ही मल और सड़े गले जानवरों की लाशें और ना जाने बहुत कुछ। कह नहीं सकते हैं। एक सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर पूरी दुनिया में कीड़ों की संख्या काउंट की जाए तो वो करीब 10 अरब अरब होगी, यानी कि अंकों में काउंट की जाए तो इतनी होगी। काउंट कर लो। एक्चुअली खाद्य पदार्थों के उत्पादन के लिए परागण एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। स्टडी के अकॉर्डिंग कीड़ों की वजह से पूरी दुनिया को 350 अरब अमेरिकी डॉलर का फायदा भी होता है। कीड़े चमगादड़, मेंढक और छोटे जानवरों के लिए भोजन का इंतजाम भी करते हैं, और कीड़े जो है परागण की प्रोसेस भी करते हैं। जैसे कि तितलियां फूलों पर बैठती है और परागण की प्रोसेस करती है,
और वैसे ही कीड़े भी परागण की प्रोसेस करते हैं। सो गाइस, इस सीरीज को आगे बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है हमें कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, ऐसे ही इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशनल वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम ऐसे लेटेस्ट इंफॉर्मेशनल वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं।